गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 जीपी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अपनी बुक ओपन करो बेटा, पहले हम जल्दी से स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइंड ए जीपी सीरीज। एक जीपी सीरीज बनाकर दिखानी है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड कर दो। विथ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। कहते हैं जीपी के अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स का टोटल कर दें तो कहता है कि -4 आ जाता है। एंड द फिफ्थ टर्म इज इक्वल, यानी फिफ्थ टर्म इज इक्वल है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी फिफ्थ टर्म इक्वल है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। कहते हैं जीपी सीरीज बना दो, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म निकाल दो। कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, अगर पहली दो टर्म का टोटल कर दें तो -4 आ जाता है। फिफ्थ टर्म इक्वल है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, गिवन कह रहे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म अगर हम दोनों का टोटल कर दें तो -4 आ जाता है। फिफ्थ टर्म इज इक्वल है 4 टाइम्स थर्ड टर्म। जीपी सीरीज बनाकर दिखा दो, तो स्टार्टिंग ही 2-3 टर्म निकाल दो, इट्स ओके। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। सेकेंड टर्म इज ए आर टू -1 इज इक्वल -4। ए आर टू में से बन गया 1, -4 टेकिंग ए कॉमन, सो 1+r इज इक्वल -4। ओके, चलो इस तरफ सॉल्व करते हैं सेकेंड कंडीशन को। फिफ्थ टर्म इज इक्वल 4 टाइम्स थर्ड टर्म। फॉर्मूला ऑफ ए 5, ए आर 5 -1 फॉर ए 3 फॉर्मूला, ए आर 3 -1। ओके, चलो इस ए से ए कैंसिल, ये मल्टीपल में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया। आर 5 -1 इज 4, 4 आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर आएगा तो डिवाइड में, आर 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डिवाइड कर दो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 4, 4 में से 2 गया। दोनों तरफ रूट कर दो, तो यहाँ पे 4 रूट करोगे तो प्लस माइनस साइन भी आएगा, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 4 का रूट कितना बन गया 2। तो एक बार तो आर की जगह 2 लिखना है, एक बार आर की जगह -2 लिखना है। ओके बेटा, ठीक है, देखो अब यहां से आगे हमारे दो क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहां पर लिख रहे हैं हम फर्स्ट केस, और इस तरफ लिख रहे थे सेकेंड केस। ठीक है, तो एक बार तो आर की जगह यहां पे 2 लिख दो, एक बार आर की जगह -2, एक बार आर की जगह 2 और एक बार आर की जगह -2 यहां पे पुट करें। ये वाला ए 1 आर की जगह 2 इज इक्वल -4, यहाँ से ए 1 आर की जगह -2 इज इक्वल -4। यहाँ से भी फर्स्ट टर्म, यहाँ से भी दो क्वेश्चन, एक आंसर यहाँ से आएगा, एक आंसर यहाँ से आएगा। तो यहाँ से 2 और 1 3 a -4, 3 से डिवाइड कर दो तो -4/3, तो ये फर्स्ट टर्म निकल गया। ओके, यहाँ से ए 1 में से 2 हो गया -1 इज इक्वल -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए इक्वल कितना बन गया -4। ठीक है, चलो ये फर्स्ट टर्म तैयार है, चलो सेकेंड टर्म निकालता हूँ, थर्ड टर्म निकालता हूँ। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ए आर 2 -1 और थर्ड टर्म का ए आर 3 -1। फर्स्ट टर्म कितनी है -4/3, कॉमन रेशियो, रेशियो कितनी थी 2 और 2 में से बन गया 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -8/3। ओके, यहाँ से सॉल्व करो, फर्स्ट टर्म कितनी -4/3, रेशियो आर कितना 2, 3 में से बन गया 2, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 4 16 16/3। तो फर्स्ट टर्म कितने आ रही -4/3, सेकेंड टर्म इज -8/3, थर्ड टर्म इज -16/3, कंटिन्यू लाइक दिस। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से करते रहो, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे आप इधर से सॉल्व कर लें, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म निकालो ए आर 2 -1, थर्ड टर्म निकालो ए आर 3 -1,
तो यहाँ से ए टू में से वन गया वन, तो फर्स्ट टर्म कितने यहाँ पे माइनस फोर और कॉमन रेशो इज माइनस टू, माइनस माइनस प्लस फोर टू जो एट। थर्ड टर्म निकाले तो यहाँ से ए थ्री में से बन गया टू, फर्स्ट टर्म कितनी थी माइनस फोर, कॉमन रेशियो इज माइनस टू, पर स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फोर, फोर फोर सिक्सटीन और ये वाला माइनस। तो फर्स्ट टर्म कितने आ जाने वाली माइनस फोर, सेकेंड टर्म इज एट, थर्ड टर्म इज माइनस सिक्सटीन, तीसरी आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ये फर्स्ट केस में ये वाला आंसर था, सेकेंड केस में ये आंसर। उसने कहा था जीपी सीरीज बनाओ, तो ये हमारी क्या बन गई, एक जीपी सीरीज बन गई। ओके मैडम, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। इफ द फोर्थ टेंथ सिक्सटींथ टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होगा, देखो कहता है कि फोर्थ टर्म इज इक्वल है x, टेंथ टर्म इज इक्वल है y, सिक्सटींथ टर्म इज इक्वल टू z, ये गिवन है। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जी पी, कहता है प्रूव कर दो कि जो एक्स वाई जेड है वो किसके अंदर आते हैं जी पी सीरीज में, ये हमने प्रूव करके दिखा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो डा फोर्थ टर्म x के इक्वल गिवन है, टेंथ टर्म y के इक्वल गिवन है, सिक्सटींथ टर्म z के इक्वल गिवन है। प्रूव कर दो कि x, y, z तीनों ही क्या हैं जीपी सीरीज के अंदर आते हैं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये जीपी सीरीज में कब होंगे, जब रेशो सेम होगी, यानी मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करूं, तो हमारा आंसर इक्वल आ गया, तब हम ये कहेंगे कि एक्स वाई जेड क्या है जीपी। जीपी तो वही होती है ना जिसे कॉमन रेशो सेम हो। ठीक है, देखो मैं बीच में लाइन लगाता हूँ, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, यानी y को x से डिवाइड कर दो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर दो। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो मैं ये कहूंगा कि ये तीनों नंबर जीपी सीरीज है। y की वैल्यू पुट कर दो, y इज a 10, x की जगह a 4 लिख दें, ऐसे यहाँ पे z की जगह a 16 लिख दें, y की जगह a 10 कर दो। ओके, सॉल्व करते हैं फॉर्मूला ऑफ a 10, a आर 10 माइनस 1 डिवाइड में फर्स्ट टर्म a आर 4 माइनस 1, इस a से a कैंसिल हो गया, r 10 में से बन गया 9, r 4 में से बन गया 3। ओके बेटा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 9 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे यहाँ से a 16, a r 16 माइनस 1, टेंथ टर्म a r 10 माइनस 1, बहुत ही कैंसिल, r 16 माइनस 1 इज 15, 10 माइनस 1 इज 9, जब डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो 15 माइनस 9 इज 6। अभी देखो ये दोनों आंसर इक्वल आ गए, इट मीन्स कि ये राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर राइट साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी y बाय x और z बाय y क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस x y z r n gp, तो x y z किसके अंदर आ गए हमारे जीपी सीरीज में। जीपी सीरीज क्या थी, जिसमें रेशियो सेम हो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, थर्ड को सेकंड से, हमारा आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसलिए ये हमारी सीरीज क्या बन गई जीपी सीरीज बन। ओके बेटा क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 18th। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888, n टर्म्स का टोटल करके दिखा दो, कहता है इन सारी कितनी टर्म्स का टोटल करके दिखाना है, n टर्म्स का टोटल करके दिखा दो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो डा ये ऐसे निकाल कर दिखाना है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से एन टर्म, कह रहे इसमें से एस एन निकाल कर दिखा दो, दिस इज नॉट ए जीपी सीरीज, ये जीपी सीरीज नहीं है। देखो मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करता हूँ, आंसर सेम नहीं आएगा, इसको 88 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना बन गया 11,
इस टर्म को इससे डिवाइड कर दो, 888 डिवाइड बाय 88, 818818 8111, तो आंसर सेम तो नहीं आ रहा, तो ये जीपी सीरीज नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, इसकी ये जीपी सीरीज बनाओगे, पहले इसको जीपी सीरीज में कन्वर्ट करें, फिर एसएफ निकालेंगे। देखो कैसे, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एसएन इज इक्वल, सभी में से एक कॉमन आ रहा है, देखो 8 कॉमन, तो सभी को 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड 1, 8 से डिवाइड 11, 8 से 1111, कंटिन्यू लाइक दिस। ओके नेक्स्ट स्टेप, इसको क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से इसको डिवाइड कर दो, 8 by 9 से, मतलब हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, इसको जीपी बनाने के लिए कर रहे हैं। तो 9 से सबको मल्टीप्लाई कर, 9 1 9 99 999, और यहाँ से भी 9 4 times, कंटिन्यू लाइक दिस। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 minus 1, तो 10 minus 1 is 9, 99 को ऐसे लिख सकते हैं 100 minus 1, नेक्स्ट इसको 1000 minus 1, और नेक्स्ट 10,000 minus 1, कंटिन्यू लाइक दिस। ओके बेटा, एसएन इज इक्वल 8 by 9। नेक्स्ट स्टेप, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को सिलेक्ट कर लो, इधर से 10, यहाँ से 100, बस आगे पीछे लिख रहा हूँ, यहाँ से 1000 और यहाँ से 10,000, कंटिन्यू लाइक दिस। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या करें, ये सेकेंड टर्म लिख रहा हूँ, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, कंटिन्यू लाइक दिस। तो जो फर्स्ट टर्म थी वो मैंने पहले लिख दिया, जो सेकेंड टर्म थी वो बाद में, बस मैंने आगे पीछे करके लिखा इसको। ओके बेटा नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि -1 -1 -1, तो किसके इक्वल होगा, -3, 1 कितने टाइम्स हो गया, 3 times, अगर मैं ऐसे लिख दूँ -1 -1 -1 -1, -1 कितने टाइम्स है, 4 times, तो हमें यहाँ लिख दे -4, ऐसे ही -1 -1 -1 -1 कितनी बार आएगा, n times आएगा, तो क्या बन जाएगा -n, n क्यों, क्योंकि कितनी बार प्लस कर रहा है, n times, यानी यहाँ पर -1 कितनी बार आएगा, n times आएगा, इसलिए इसका टोटल कितना होगा, -n। देखो Sn 8 by 9, 10 plus 100 plus 1000 plus 10,000 plus, कंटिन्यू, तो ये सारा टोटल कितना बन गया, -10। यहां से लेकर यहां तक ये हमारी जीपी सीरीज है, देखो मैंने इसको जीपी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दो 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो 10 आएगा, 20 कट जाएंगे, इसको इससे डिवाइड करो 30 कट जाएंगे 10, तो ये क्या बन गया, जीपी। जीपी सीरीज बनाने के लिए मैंने ये सारा प्रोसेस किया। अब हम यहाँ से यहाँ तक का टोटल कर सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म कितने, 10 कॉमन रेशियो, इस 100 को 10 से डिवाइड कर दो 10। ओके चलो, एसएन इज इक्वल 8 by 9, यहाँ से यहाँ तक जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला, ए आर पावर एन माइनस वन डिवाइड में आर माइनस वन, और ये वाला माइनस एन तो एज इट इज। ओके वैल्यू पुट कर देते हैं, ए ए की जगह 10, आर आर की जगह भी 10, तो 8 by 9, ए की जगह 10, आर की जगह 10, पावर एन माइनस वन डिवाइड में 10 minus 1 minus 10, तो 10 में से माइनस कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। देखो एसएन इज इक्वल, यहां से 8 by 9, यहां से ये 10, 10 पावर एन माइनस वन डिवाइड में ये 9 और ये माइनस एन, इस 8 by 9 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 80 डिवाइड में 9 को 9 से 81, 10 पावर n माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 8 by 9, और ये दिस इज योर आंसर। अगर वो ये कहता कि 5 टर्म्स का टोटल कर दो, तो इस n की जगह 5 लिख दो, अगर बता 10 टर्म्स का टोटल कर दो, तो n की जगह 10 लिख दो, 6 टर्म का टोटल था, उसने तो Sn कहा था ना, n टर्म्स का टोटल, इसलिए ये Sn बन गया। ओके बेटा, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अपने आप करें,
सिक्स प्लस सिक्सटी सिक्स प्लस सिक्स 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 प्लस सिक्स 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 कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को अपने आप करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।